मैं इसी मिट्टी का लाल हर दिन गांव को याद करता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ पहली बार आज झुंझुनू जिले स्थित अपने गांव किठाना पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज किसान परिवार का कोई व्यक्ति इस पद तक पहुंचा है, इसे देखकर संविधान निर्माता को बहुत बड़ा सुख मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं इसी मिट्टी का लाल हूँ और हर दिन गाँव को याद करता हूँ। आज सुबह करीब 8:30 बजे जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गांव वालों को सुनाई दी, गांव वाले उनका स्वागत करने हेलीपैड पर पहुंच गए। स्वागत के बाद वे सबसे पहले अपने आराध्य बालाजी के मंदिर पहुंचे। मंदिर तक के रास्ते में हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया। मंदिर में पूजा अर्चना करने और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वे अपने घर गए। यहाँ उन्होंने अपने दोस्तों और परिवारजनों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने गांव के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के स्कूल की नई बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया, जहां उन्होंने तकरीबन 66 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। सभी बच्चे देश के उपराष्ट्रपति को अपने बीच पाकर काफ़ी खुश दिखे। वहीं स्कूल बिल्डिंग के शिलान्यास के मौके पर धनखड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के बाद हमारी गाड़ियों के कांच नीचे नहीं होते हैं, लेकिन यह हमारी मजबूरी है। सुरक्षा के चलते हमें ऐसी गाड़ियों में चलना होता है, लेकिन यह मत समझना कि हम आपसे दूर हैं। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में हर व्यक्ति और परिवार को सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किठाना के हर व्यक्ति को मैंने एक ही नज़र से देखा है, फिर चाहे वह कैसी ही राजनीति करता हो। धनखड़ ने कहा कि इस गांव को आदर्श गांव बनाना मेरी परिकल्पना है। उन्होंने कहा कि गाँव के बच्चे व बच्चियों को पहले थोड़ा संकोच होता है, लेकिन वो मेहनत कर दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी पृष्ठभूमि देखकर लगता है कि हालात अब बेहतर होते जा रहे हैं। धनखड़ ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि लड़के लड़की में फ़र्क मत करो और उन्हें जो करना है करने दो। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि धनखड़ का आना इनके लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है। बचपन में जो लोग उनके साथ खेले, वे उन्हें उपराष्ट्रपति बनने के बाद देखने के लिए उत्सुक हैं। सभी ने ढोल मजीरों और डीजे सहित अपने अपने तरीकों से धनखड़ का स्वागत किया। गाँव वालों का कहना है कि उनके इंतजार में रात को अच्छे से सो भी नहीं पाए। आपको बता दें, पेशे से वकील रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गांव के बाद आगे की पढ़ाई चित्तौड़ सैनिक स्कूल और जयपुर से की है। आज जब वे अपने प्राइमरी स्कूल पहुंचे, तो यहां के स्टाफ व बच्चों ने उन्हें पुरानी फोटोज़ का कॉलेज भी भेंट किया। ग्रामीणों ने सेखावाटी की परम्परा अनुसार धनखड़ का स्वागत भी किया। सुबह से ही अलग अलग स्थानों पर राजस्थान संस्कृति और परम्परा के रंग यहाँ देखने को मिले। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के करीबियों ने बताया कि धनखड़ दिल दिमाग से बेहद मजबूत हैं। उनके दो बच्चे थे, बेटा दीपक और बेटी कामना। दीपक अजमेर के मेयो स्कूल में पढ़ता था। 14 साल की उम्र में फरवरी 1994 में दीपक को ब्रेन हेमरेज हो गया। आनन फानन में दिल्ली लेकर गए, लेकिन बचा नहीं पाए। बेटे की मौत ने धनखड़ को तोड़ दिया था। इसके बावजूद वो उस दर्द से बाहर निकले और पूरे परिवार को संभाला। गांव के बीचों बीच धनखड़ की पुश्तैनी हवेली है। यहीं उनके दोनों भाई कुलदीप, रणदीप और बहन इंदिरा का जन्म हुआ था। साल 1989 में जब धनखड़ ने झुंझुनू से पहला चुनाव लड़ा, तब इसी हवेली में रहकर वो पूरी चुनावी रणनीति बनाते थे। जगदीप धनखड़ के ताऊ हरिबख्श चौधरी कई साल तक सरपंच रहे थे। उनकी कई गाँवों में बढ़िया पैठ थी। धनखड़ के पिता गोकुल राम चौधरी भी रेलवे में बड़े ठेकेदार थे। धनखड़ का बचपन यहीं गुजरा। माता पिता केसर देवी और गोकुल राम चौधरी ने ज़्यादातर समय इसी हवेली में बिताया था। अब कई सालों से यहाँ कोई नहीं रहता है। हालांकि हवेली अब खंडहर हो चुकी है। बाहर चारों तरफ घास फूस और झाड़ का जाल था। ग्रामीणों ने बताया कि धनखड़ गाँव में अंग्रेजी बोलने वाले पहले शख्स थे। अब उनकी ख्वाहिश है गाँव का हर लड़का धड़ल्ले से अंग्रेजी बोले। इसी सोच के साथ कुछ साल पहले उन्होंने यहाँ एक कमरे में स्पोकन इंग्लिश क्लासेस और दूसरे कमरे में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू करवाया। यहाँ एक लाइब्रेरी भी बनवाई, जहाँ हर तरह की किताबों का कलेक्शन है। यहाँ महिलाओं के लिए एक सिलाई ट्रेनिंग सेंटर भी है। अपने माटी के लाल को उपराष्ट्रपति पद पर देखकर आज किठाना गाँव ही नहीं अपितु पूरा झुंझुनू जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। झुंझुनू टेंट डीलर्स किराया व्यवसाय समिति का 5वां जिला स्तरीय सम्मेलन चिड़ावा में हुआ आयोजित। झुंझुनू टेंट डीलर्स किराया व्यवसाय समिति का 5वां जिला स्तरीय सम्मेलन चिड़ावा स्टेशन रोड स्थित श्रीकृष्णा ग्रेटर में आयोजित हुआ। इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, साथ ही आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी दी गई।
इस दौरान सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल, प्रदेशाध्यक्ष राम बिहारी, उपाध्यक्ष पर्वत सिंह भाटी, झुंझुनू अध्यक्ष राजेंद्र फौजी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश जोशी, सुरेंद्र चौधरी, राजेंद्र पंवार, मोहम्मद इकबाल, सीकर के अध्यक्ष बाबू भाई, कोषाध्यक्ष परमेश्वर लाल जांगिड़, विकास पारिक, इस्लाम मुरारी, संजय बावरिया, चिड़ावा अध्यक्ष प्रमोद अर्डावतिया, जयसिंह पायल सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे। ये आयोजन हमारे झुंझुनू जिला टेंडीदार समिति का आयोजन है। उस आयोजन में आज हम भी पधारे हैं और आयोजन तो हम हमेशा संगठन को मजबूत करने के लिए करते हैं और आज सभी को हम बीकानेर महाधिवेशन, राजस्थान का 13वां महाधिवेशन 17-18 सितंबर को बीकानेर होने जा रहे हैं, उसका निमंत्रण भी आज हम झुंझुनू जिलों को दे रहे हैं कि आप पूरी टीम को साथ लेके बीकानेर पधारें। बीकानेर में हमारे 200 लगभग स्टॉलें लगेगी विभिन्न उत्पादों की, एक ही छत के नीचे गांव के छोटे छोटे व्यापारी भी उसमें सामान खरीद पाएंगे, ताकि कई जगह तो वो अकेले जाते हैं तो उनकी जेब कटती है, रेट ज़्यादा लग जाती है, लेकिन वहाँ एक ही जगह पे 200 स्टॉल लगेगी। मान लो जैसे लुधियाना से कुर्सी वाले आएंगे, 15 व्यापारी कुर्सी के आएंगे तो आपस में कंपटीशन करेंगे और वो कंपटीशन में सामान बेचते हैं तो सस्ता सामान और अच्छा सामान और गुणवत्ता का सामान सबको मिलता है। संगठन की चर्चा करते हैं, जो भी कोई समस्या आती है उसका समाधान हम संगठन के माध्यम से करते हैं। कोई भी यदि अनहोनी किसी हमारे व्यापारी के साथ हो जाती है तो उसको आर्थिक मदद भी हमारा संगठन करता है। बूंद बूंद सिंचाई योजना पर मिलेगी एक्स्ट्रा सब्सिडी, जिले के किसानों को मिलेगा दोहरा लाभ। झुंझुनू जिले के किसानों को बूंद बूंद सिंचाई योजना से पानी की बचत के साथ सब्सिडी का दोहरा लाभ मिलेगा। इसमें सूक्ष्म सिंचाई फंड परियोजना के तहत लघु व सीमांत किसानों को 70% अनुदान मिलेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप अनुदान बढ़ाया गया है। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर पूर्व में लघु व सीमांत किसानों को 60-70% व अन्य किसानों को 50% अनुदान मिलता था। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार अब लघु व सीमांत किसानों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला किसानों को 75% अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य किसानों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 70% की गई है। आपको बता दें, पूर्व में ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर पर लघु व सीमांत किसानों को 70% व अन्य को 50% अनुदान था, जो अब 75% किया गया है। वहीं स्प्रिंकलर पर पूर्व में लघु व सीमांत किसानों को 60% अनुदान, जो कि अब 75% कर दिया गया है, जबकि अन्य किसानों का 50% था, जो अब 70% हो चुका है। राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको अनुदान तो कागज कार्रवाई में देते हैं, वो मिलता भी है, लेकिन इसकी जो कागज कार्रवाई है ना, वो बहुत हार्ड बना रखी है। इसमें चक्कर काटते काटते वो थक जाता है किसान। किसान को इतना मालूम ही नहीं है भाई, किस तरीके से ऑनलाइन करवा के कागजों को किस है ये, इस तरीके से वो ले नहीं पाता पूरा फायदा। इसलिए इस योजना को किसानों के तक पहुंचाने के लिए आसान तरीका अपना करके मदद दी जाए। सरकारी स्कूल में मिड डे मील की स्थिति को लेकर जांच पड़ताल की गई है। इसमें स्कूल में क्या रोज़ मिड डे मील मिलता है, खाने में क्या क्या मिलता है, इसकी गुणवत्ता क्या है, मिड डे मील के खाने की सामग्री का रख रखाव किस तरीके से किया जाता है, साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है, एक बच्चे को कितना मिड डे मील मिलता है, हर दिन कितना बजट है और क्या वो बजट पर्याप्त है, क्या खाना समय पर तैयार होता है और उसके जांच के लिए क्या कोई अधिकारी आता है, इन सभी सवालों को लेकर बदनगढ़ की सरकारी स्कूल में हम गए और देखिए वहाँ पर क्या हकीकत सामने आई है। क्या स्कूल में हर रोज मिड डे मील मिलता है? हाँ, रोज मिड डे मील पकाया जाता है। खाने में क्या क्या मिलता है और उसकी गुणवत्ता कैसी होती है? खाने में साप्ताहिक मेन्यू निर्धारित है दिवसवार, जिसमें 2 दिन रोटी सब्जी, 2 दिन दाल रोटी, 1 दिन दाल चावल और 1 दिन खिचड़ी, इस तरह अलग अलग दिवस को अलग अलग मेन्यू निर्धारित है। मिड डे मील के खाने की सामग्री के रखरखाव की क्या व्यवस्था है? रखरखाव भंडारण की अच्छी व्यवस्था है, टंकी है जिसमें गेहूं चावल इत्यादि रखे जाते हैं और बंद डिब्बों में मसाला रखा जाता है। आसपास सफाई व्यवस्था कैसी है? हाँ, आसपास अच्छी सफाई की व्यवस्था की गई है। एक बच्चे के मिड डे मील का हर दिन कितने का बजट होता है और क्या ये पर्याप्त है?
प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान है। कक्षा 1 से 5 के लिए 4.97 रुपये प्रतिदिन निर्धारित है, जबकि कक्षा 6 से 8 के लिए 7.45 रुपये निर्धारित है। क्या खाना समय पर तैयार हो जाता है बच्चों के लिए? हाँ, खाना समय पर तैयार हो जाता है और इंटरवल के दौरान उनको उनकी अच्छे से बैठक व्यवस्था करके उनको खाना परोसा जाता है। मिड डे मील की जांच के लिए अधिकारियों का दौरा होता है क्या? अधिकारी प्राय विद्यालय में आते हैं, सम्मेलन के दौरान वो पोषाहार को भी देखते हैं और पोषाहार से संबंधित विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं जिसमें खास तौर पर पोषाहार की ही जांच की जाती है। आपका नाम और पदनाम? मेरा नाम मधु शर्मा है, मैं पीओ बदनगढ़ हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलक है। ये जो पोषाहार मिलता है आपको, इसमें क्या क्या मिलता है खाने के लिए? हमको सोमवार को दाल रोटी सब्जी और मंगलवार को दाल चावल और मंगलवार को हमको फ्रूट भी मिलते हैं। बुधवार को दाल रोटी, गुरुवार को खिचड़ी, शुक्रवार को दाल रोटी और शनिवार को रोटी सब्जी। अच्छा, खाना खाते टाइम वहाँ पे साफ सफाई कैसी रहती है? अच्छी रहती है। खाने को लेकर कोई शिकायत है?